रामगंज मंडी, डाड़ देवी, आलनिया, रावठा रोड, कंवलपुरा, दरा एवं मोडक स्टेशन यात्री सुविधाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय मदन दिलावर जी, खेराबाद पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती कलावती जी, रेल के मंडल प्रबंधक डीआरएम श्री पंकज शर्मा जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति नौजवान साथियों, पिछली बार मेरा कोटा से रामगंज मंडी विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से एक संक्षिप्त दौरा हुआ था। उसमें हमने उन छोटे छोटे रेलवे स्टेशन जहां आम यात्री रेलवे की यात्रा करता है, आम आदमी कई बार देर रात्रि होने के कारण, अपने गांव में साधन होने के कारण उसको स्टेशन ही रुकना पड़ता है। ऐसे सभी स्टेशनों का यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन सब छोटे स्टेशनों पर भी यात्री सेवाओं का विकास किया है। आज उन सब का लोकार्पण हो रहा है। रेल आम आदमी की यात्रा है। दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सबसे बड़ी पटरियों का नेटवर्क, सबसे ज्यादा ट्रेनों का नेटवर्क, देश के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर यात्रा का कोई सुगम सुरक्षित साधन है तो रेल है। मैं भी कोटा से अमृतसर से चलने वाली बॉम्बे ट्रेन में आ रहा था। मैंने कई यात्रियों से बात की, कई जनरल डब्बों में थे, कई सेकंड क्लास स्लीपर में थे। अमृतसर से यात्रा करके अगर बंबई सुगम सस्ता सुरक्षित यात्रा है तो वो रेल है। अमृतसर से बंबई आप देखिए, कोटा से बंबई 900 किलोमीटर है और कोटा से अमृतसर भी 800-900 किलोमीटर हो गया। 1800 किलोमीटर की यात्रा सुगम सस्ती सुरक्षित कोई यात्रा नहीं हो सकती जितनी रेल की यात्रा है। इसलिए रेल आम आदमी का साधन है और इस आम आदमी को साधन को हम किस तरीके से यात्री सुविधाओं की दृष्टि से अच्छा बनाए, बेहतरीन बनाए, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश के अंदर एक व्यापक योजना बनाई है कि देश के चाहे छोटे स्टेशन हो चाहे बड़े स्टेशन हो, सामान्य से सामान्य गरीब व्यक्ति को रेल की यात्रा में सुगमता हो। इसी के साथ उन्होंने पीएम गति शक्ति योजना के तहत
संपूर्ण देश के अंदर चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, जल यान कनेक्टिविटी हो, जितने भी साधन यात्री मालगाड़ी माल वाहक के रूप में दुनिया में सबसे सरल और सुगम तरीके से जहां यात्रा यात्री भी करे वहां एक जगह से दूसरे जगह तक माल पहुंचाने में सस्ता भी हो और जल्दी भी पहुंचे। दुनिया के अंदर अधिकतम देशों का जो विकास हुआ है उसमें लॉजिस्टिक का खर्चा कम करके दुनिया ने कई परिवर्तन किए हैं। प्रधानमंत्री जी इसी विजन के आधार पर पीएम गति शक्ति योजना बनाइए ताकि सारे विभाग एक साल मिलकर एक व्यापक सामूहिक योजना बना सके, कहां पर ट्रेन का साधन है, ट्रेन के साधन से उतरने के बाद काम मालगाड़ी पर से उतरा सामान कैसे एयरपोर्ट पहुंचेगा, एयरपोर्ट नहीं पहुंचेगा, बंदरगाह पर पहुंचेगा, इन सारी चीजों को एक कनेक्ट करते हुए कि हम सस्ता सुगम और जल्दी और लॉजिस्टिक का खर्चा कम, इसकी व्यापक योजना एक विजन के आधार पर बनाई। इसी तरीके से देश के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर एयरपोर्ट से भी बेहतरीन रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन नजर आएंगे। ये रामगंज मंडी का रेलवे स्टेशन मैं जब पहली बार सांसद बना था तब यहां पर आया था और आज लोकसभा स्पीकर के बनने के बाद मैं कई बार आया हूं। यहां के लोगों की कई मांग थी कि हमारा सर्कुलेटिंग एरिया बनना अच्छा बनना चाहिए। स्टेशन पर आए, कोटा स्टोन खरीदने आए देश और दुनिया के लोग, तो उनको रेलवे स्टेशन अच्छा लगे, सुंदर लगे। अब आपका सर्कुलेटिंग इलाका अच्छा होगा, आपका वेटिंग रूम जब मैंने उद्घाटन किया था तो एयर कंडीशन नहीं था, वो वेटिंग रूम एयर कंडीशन होगा। जगह जगह यात्रियों के लिए जहां जहां भी छाया नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर सब जगह छोटे शेड बनाकर छाया पानी की व्यवस्था होगी। पेड़ में कई बार लोगों को चढ़ने में दिक्कत आती थी, दो जगह लिफ्ट होगी। हमारे विधायक महोदय जी ने विधायक मोदी के मुंह से निकल गया कि एक्सीलेटर होना चाहिए और वीरेंद्र जी ने टोक दिया तो विधायक महोदय जी के मुंह से निकल गया तो एक्सीलेटर भी लगेगा। यात्री सुविधाओं की दृष्टि से रामगंज मंडी इस लाइन का सबसे बढ़िया रेलवे स्टेशन होगा। मुझे याद है 40 साल पहले भी इस सारे इलाके के अंदर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था, तब यहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हर यात्री को पीने का पानी मिले जल सेवा केंद्र शुरू किया था। अब उनका परमानेंट जल सेवा केंद्र स्थापित हो गया है, अगर वो चाहेंगे तो बड़ा वाटर कूलर भी लगा देंगे उनके फुल कैपेसिटी का, ताकि उनको बर्फ से ठंडा न पड़ा फिरे, ठंडा पानी निकले और उपलब्ध हो। बेहतरीन तरीके का जो वाटर कूलर होगा वो लगा देंगे। जितने भी यात्राओं की सुविधा है उन यात्री सुविधा यहां पर मिलेगी। अभी हमारे कुछ मित्र लोग मांग करते हैं कि इतनी ट्रेनें बाकी रहेगी, अभी यहां पर कुल मिलाकर 58 ट्रेन 58 ट्रेन रेलवे स्टेशन रामगंज मंडी पर रुकती है।
जो अप डाउन और उसको मिलाकर बोनी मंडी का मुकाबला मतलब 46 उठती है, 40 उठती है, अपन कोई से कंपटीशन नहीं है। लेकिन रेलवे स्टेशन रामगंज मंडी में इस रेल लाइन पर सबसे ज्यादा ट्रेन रुकती है तो रामगंज मंडी में रुकती है। हमारे डेली अप डाउनरों की कुछ समस्या है, हर एक मिनट में भाषण देंगे, हर एक मिनट में ट्रेन आएगी यहां पर, ये इसका संकेत है कि यहां पर अधिकतम ट्रेनें रुकती है। हर आधे घंटे में कोई ना कोई, मैं भी स्टेशन पर ट्रेन से आता हूं, सुबह नहीं आया तो दिन में आया तो गोल्डन टेम्पल आ गई, फिर उसके ट्रेन आया तो अवध आ जाए, कोई ना कोई एक घंटे में आपको कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी। जितने यात्री यहां से बैठ नहीं सकते उससे ज्यादा ट्रेनें रुकती हैं यहां पर, इसलिए डेली अप डाउनर हो रेल आप निश्चित रहो, जब जब भी आवश्यकता है ट्रेन स्टॉपेज की होती है। मैं जिम्मेदारी से आपका जनप्रतिनिधि हूं, आप जो भी बात मेरे ध्यान में डालते हो मैं जिम्मेदारी से उसको पूरा करता हूं। रोड कनेक्टिविटी की जहां बात है, रामगंज मंडी से लेकर एक सबसे ज्यादा मांग यह रहती है कि रामगंज मंडी से निकलकर और सुकेत तक का रोड पहुंचने की जो सबसे बड़ी मांग है, मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर मैं आपको कहता हूं, दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं, मेरे कार्यकाल में वह रोड अच्छा बन जाएगा और बेहतरीन रोड बनेगा। और भी जहां जहां आवश्यकता है कनेक्टिविटी रोडों की, उसके लिए हम सर्वे करा रहे हैं और NHI से किस तरीके से बन सकता है, बाकी अंदर की रोड तो मदन दिलावर जी बनाएंगे, MLA साहब। NHI की जहां भी रोड बनने की संभावनाएं होगी वहां निश्चित रूप से रोड बनाई जाएगी। रामगंज मंडी की जनता का बहुत प्यार स्नेह आशीर्वाद हमेशा मिला है, मेरी कोशिश है कि रामगंज मंडी की जनता का जो प्यार आशीर्वाद मिला है, स्नेह मिला है, उसके अनुरूप काम करूं। अभी हमारे कुछ मित्र जुगल मेवाड़ा जी और जब भी जाते थे मोडक के अंदर अंडरपास की मांग करते थे, अंडरपास का काम भी एक महीने में मोडक का शुरू हो जाएगा तो अंडरपास की मांग भी आपकी पूरी हो जाएगी। ओम बिना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निश्चित रूप से छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी, अब रावठा ले लो, कमलपुरा ले लो, आलनिया ले लो, ये छोटे रेलवे स्टेशन थे, उन छोटे रेलवे स्टेशनों को भी हमने बेहतरीन यात्री सुविधाओं की दृष्टि से बनाया ताकि वहां पर बैठने की वेटिंग रूम की अच्छी व्यवस्था हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट हो, ऐसे जहां जहां भी आवश्यकता है छोटे शेड बनाने का काम किया है, वाटर कूलर लगाने का काम किया है। छोटे स्टेशनों पर गरीब व्यक्ति बैठता है जो डेली अप डाउन करता है और उसको लगता है कि रेल यात्रा से सस्ता कोई साधन नहीं, उस साधन को करेंगे। रामगंज मंडी के लोग डाट देवी के रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा उतरते हैं, डकनिया रेलवे स्टेशन पर। आने वाले समय के अंदर डकनिया रेलवे स्टेशन भी विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनेगा, 15 अगस्त तक उसके वर्क ऑर्डर मिल जाएंगे और इस 2 साल के अंदर वह रेलवे स्टेशन भी, जैसी सबकी इच्छा थी कि ये बेहतरीन रेलवे स्टेशन बनना चाहिए, वहां पर मैं भी कई बार उतरा था तो प्लेटफार्म नीचा था, कई बार एक्सीडेंट की संभावना रहती है, रामगंज मंडी के लोग ज्यादातर वहां उतरते हैं, इसलिए हमने उसको कोटा और डकनिया को एक साथ दोनों स्टेशन को सैटेलाइट के रूप में बेहतरीन डेवलप करने का काम किया है। 100 करोड़ की जागा लागत से काम वहां पर होगा, दोनों स्टेशनों को मिलाकर करीबन 400-500 करोड़ की लागत से दोनों स्टेशन बनेंगे।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबको जिस तरीके से यहां आप सामाजिक सेवा का काम करते हैं, समाज के गरीब वंचित लोगों की सेवा करते हैं, यही हमारी संस्कृति है रामगंज मंडी की। और जहां भी हम अभाव देके वंचित लोगों को देखें, इसी तरीके से सेवा करते रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।